देशभर में आतंकी हमले का अलर्ट है। 26 जनवरी से पहले धमाकों की साजिश, अपने दर्शकों को बता दें बड़ी खबर मिल रही है, देशभर में आतंकी हमले का अलर्ट है। 26 जनवरी से पहले किसी भी तरह की आतंकी घटना को अंजाम दिया जा सकता है, बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस से पहले आतंकी अपने मंसूबों को जाहिर कर सकते हैं और लगातार इस तरह की घटनाएं होने की धमकी देते रहे हैं तमाम आतंकी संगठन। और एक बार फिर से देश भर में अलर्ट कर दिया गया है, इस तरह के इनपुट्स मिलने की बात कही जा रही है, जिसके जरिए ये आशंका जाहिर की जा रही है। हिजबुल तहरीर संगठन ये साजिश बना रहा है, अपने दर्शकों को बता दें बड़ी खबर इस वक्त की। 26 जनवरी से पहले देश भर में आतंकी हमले का ये अलर्ट है, सतर्क रहने के लिए कहा गया है। सारी जो सीमाएं हैं, खासकर बॉर्डर्स हैं, उन पे चौकसी बढ़ा दी गई है। 26 जनवरी से पहले धमाकों की साजिश और इसको लेके देश भर में अलर्ट है हिजबुल तहरीर संगठन। जी हां, आपने दर्शकों को बता दें कि ये वो संगठन है जो इस तरह के आतंकी मंसूबों को कामयाब कर सकता है। डॉक्टर मेडिसन लेकर जाएगा, इस तरह की जानकारियां लगातार मिल रही है अलग अलग इनपुट्स के जरिए। तो देश भर में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, 26 जनवरी से पहले कोई बड़ी घटना अंजाम तक पहुंचाई जा सकती है। 26 जनवरी से पहले धमाकों की साजिश है, 26 जनवरी से पहले तमाम व्यवस्थाओं को इसके मद्देनजर चौकस कर लिया गया है। हिजबुल तहरीर संगठन ये साजिश बना रहा है। मेवात से अभी आईएस से जुड़े एक शख्स की गिरफ्तारी और उसके बाद आज 4 संदिग्धों का मिलना उत्तराखंड से, कई तरह की खबरें इस तरह की मिल रही हैं जो इन तमाम चीजों को जोड़ती हुई नजर आती हैं। फिलहाल 26 जनवरी से पहले देश भर में आतंकी हमले का अलर्ट है, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने की कोशिश अब फिलहाल की जा रही है। तो 26 जनवरी से पहले धमाकों की साजिश, अपने दर्शकों को बता दें हिजबुल तहरीर संगठन है जिस तरह की साजिश कर रहा है, कोई बड़ी घटना अंजाम तक पहुंचाई जा सकती है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। आतंकियों का कोड है, इस बार डॉक्टर मेडिसन लेकर जाएगा। जी हाँ, अक्सर इस तरह के कोड्स के, इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल ये तमाम आतंकी करते हैं और खासकर इस तरह के आतंकी घटनाओं के पहले जो स्लीपिंग मॉड्यूल्स हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और अलग अलग तरीके से इन घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। देश भर में आतंकी हमले का अलर्ट है, वाकई दहशत भरी खबर है, थोड़ा सा घबराती भी है, लेकिन पैनिक क्रिएट ना हो इसके लिए व्यवस्था पूरी की जा रही है, सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। 26 जनवरी से पहले धमाकों की साजिश है, अक्सर इस मौके पे इस तरह के अलर्ट्स आते हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल फिलहाल दिखाई देता है उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि अब हर अलर्ट पे संजीदगी से काम किया जाएगा। डॉक्टर मेडिसन लेकर जाएगा, आतंकियों का कोड है, इस कोड के जरिए कोई बड़ी घटना को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। हिजबुल तहरीर संगठन की कॉल इंटरसेप्ट से खुलासा हुआ है कि इस तरह की घटना हो सकती है। हिजबुल तहरीर, लश्कर जैश, आईएम के आतंकी इस प्लान को बना रहे हैं। आपको बता दें तमाम ये आतंकी संगठन है, जिसके बाद देश भर में आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है, सुरक्षा के मद्देनजर बेहद खास इंतजाम किए जा रहे हैं, चाक चौबंद व्यवस्था करने का दावा किया जा रहा है। 26 तारीख से पहले यानी 26 जनवरी से पहले, गणतंत्र दिवस से पहले इस तरह की घटना हो सकती है, हिजबुल तहरीर संगठन बना रहा है ये साजिश। तो अपने दर्शकों को बता दें जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस वक्त, डॉक्टर मेडिसन लेकर जाएगा, ये कोड है उन आतंकियों का जो 26 तारीख से पहले, 26 जनवरी से पहले किसी आतंकी घटना को अंजाम दे सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, देश भर में अलर्ट है, जिस तरीके से पठानकोट में हमला हुआ उसके बाद पूरे देश में अलर्ट पहले से ही है, लेकिन 26 जनवरी के मद्देनजर इस अलर्ट को और पुख्ता तौर पर बताया जा रहा है। हिजबुल तहरीर, लश्कर ए तैयबा, आईएम जैसे संगठन इस पूरे प्लानिंग में शुमार है, जुड़े हुए हैं, अपने दर्शकों को बता दें। तो देश भर में आतंकी हमले की साजिश है ये, 26 जनवरी से पहले धमाके किए जा सकते हैं, धमाकों की साजिश है ये, खुफिया एजेंसी ने ये अलर्ट जारी किया है। हिजबुल तहरीर संगठन है जो इस पूरी प्लानिंग का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, उसके साथ जो दूसरे संगठन है वो भी जुड़े हुए हैं। मेवात से आईएसआई से जुड़े एक शख्स की गिरफ्तारी होना, 4 संदिग्ध उत्तराखंड में पकड़े जाना और फिर इस तरह की घटनाओं का लगातार सामने आना, अलर्ट सामने आना, कभी किसी रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी देने का खत मिलना, इन तमाम चीजों को जोड़कर देखा जा रहा है और किसी भी अलर्ट पर अब लगातार कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। हालांकि इस तरह के अलर्ट पहले भी मिलते रहे हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है, उसको देखकर संजीदगी के साथ तमाम अलर्ट्स को देखा जा रहा है और बेहद चौकस की जा रही है सुरक्षा व्यवस्था। जो बॉर्डर्स हैं खासकर वो सुरक्षा एजेंसी के निशाने पर है। डॉक्टर मेडिसन लेकर जाएगा, ये आतंकियों का कोड है इस बार, इस तरह की जानकारी मिल रही है। इंटरसेप्ट से खुलासा हुआ है, जो हिजबुल तहरीर संगठन है इसके कॉल इंटरसेप्ट से खुलासा हुआ है, अपने दर्शकों को बता दें। और इसकी इस नाकाम
प्लानिंग में कई और संगठन भी साथ में हैं। हिजबुल तहरीर, लश्कर, जैश, शायद के आतंकी इस हमले की साजिश बना रहे हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो देश भर में आतंकी हमले का अलर्ट है, इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। तो देश के माहौल को खराब करने के लिए आतंकी नापाक साजिश रचने हैं, इस तरह की जानकारी हमको मिल रही है। और जैसा कि हमने जिक्र किया, उत्तराखंड से भी आईएस के आतंकियों के पकड़े जाने के बाद हड़कंप है। आपको बता दें, रुड़की से आईएस के आतंकी पकड़े जाने की खबर है और उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रुड़की आईजी पहुंच चुके हैं। अर्धकुंभ रुड़की से लगने वाली सीमाओं पर खास चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, सघन चेकिंग अभियान चला रहा है। खुफिया विभाग को भी अलर्ट कर दिया गया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। आरिफ न्याजी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आरिफ, इन आतंकियों के सामने आने के बाद, इन चेहरों के सामने आने के बाद क्या अपडेट्स पुलिस डिपार्टमेंट से मिल रहे हैं फिलहाल? देखिए, जिस तरीके से चार आतंकवादी ये पकड़े गए हैं, इनमें अखलाकुर रहमान, ओसामा और अजीमुशान के साथ साथ महराज भी शामिल है। और इन आतंकवादियों के पकड़े जाने के बाद पुलिस और खुफिया विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश से लगने वाली सीमा है, उनकी चौकसी बढ़ा दी गई है। खास बात यह है कि जो अर्धकुंभ मेले के आईजी है जीएस मातोलिया, वो भी पुलिस अधिकारियों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है और पल पल पर नजर रखी जा रही है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का अभी तक इस बाबत कोई बयान नहीं आया, लेकिन सिर्फ उनकी जो चेकिंग अभियान है वो शुरू किया है और जो खुफिया विभाग की टीम है उन्हें अलर्ट किया गया है। जी घनश्याम, शुक्रिया आरिफ तमाम बातचीत के लिए। तो रुड़की से गिरफ्तार किए गए आईएस के चारों आतंकियों को आपको बता दें 15 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। रुड़की से इन आतंकियों को मंगलवार को अरेस्ट किया गया था। पुलिस की माने तो आतंकियों के निशाने पर हरिद्वार अर्धकुंभ था और इसको लेकर पहले भी अलर्ट दिया जा चुका था। ये ट्रेनों को निशाना बनाने की फिराक में थे, साजिश रची जा चुकी थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के कारण इन चारों को पकड़ लिया गया। इसमें यूपी पुलिस का बहुत समर्थन मिला हम लोगों को। उत्तराखंड पुलिस के थे तो उनका बहुत एक्टिव कोऑपरेशन मिला और एक इनपुट जो था वो टाइमली मिलने से एक बहुत बड़ी वारदात को रोका जा सका है। अभी इनको प्रोड्यूस किया गया है, अभी रिमांड मिली है 15 दिन की। इनसे बातचीत होगी तब सारे तथ्य क्लियर होंगे। इनका निशाना जो था दिल्ली एनसीआर रीजन में प्लानिंग थी इनकी इंसिडेंट्स की। रुड़की टू हरिद्वार बाउंड ट्रेन में भी इनका प्लानिंग थी और अर्धकुंभ मेले में जो चल रहा है हरिद्वार में, वहां एक बड़ा घटना हो सकती थी जिसको टाइमली रोका जा सका है। तो हरिद्वार के पास रुड़की से आईएसआईएस के चार संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, पकड़े गए एक आतंकी का नाम अखलाक बताया जा रहा है और बाकी तीन उसके साथ ही। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इन चारों की उम्र 19 से 21 साल के बीच बताई जा रही है। पहला आतंकी अखलाक भगवानपुर चंदनपुर गांव का रहने वाला है, वहीं दूसरा संदिग्ध ओसामा जोरासी गांव का रहने वाला है। तीसरा आतंकी है मोहम्मद अजीज जो कस्बा लंडोरा, और चौथा संदिग्ध मोहम्मद महरोज है जो लंडोरा का ही रहने वाला है। इन आतंकियों को इराक से फंडिंग होती थी। इनको एक खास बात है, यहां पे इनके निशाने पर हरिद्वार अर्धकुंभ मेला था, साथ ही ये लोग ट्रेनों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे। तो इन चारों की गिरफ्तारी हो गई है। 19 से 21 साल के बीच इनकी उम्र है। इराक से इनको फंडिंग होती थी और दिल्ली हरिद्वार अर्धकुंभ मेले में हमले की साजिश थी। जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, आतंकियों ने दिल्ली एनसीआर में रेकी भी कर ली थी। दिल्ली में गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ जारी है। गिरफ्तार आतंकियों में से एक का नाम अखलाक, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, हर हफ्ते हरिद्वार ये जाता था। अखलाक सूत्र बता रहे हैं कि यूपी उत्तराखंड के कई ठिकानों में छापेमारी हो रही है इस घटना के बाद। आईबी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम एक हफ्ते से रुड़की में तैनात थी। इनपुट्स पहले से मिल गए थे। खुफिया एजेंसीज की नजर अखलाक और उसके साथियों पर थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रॉ के साथ मिलकर ये ज्वाइंट ऑपरेशन किया है। उत्तराखंड पुलिस ने पाकिस्तान के संदिग्ध आतंकी नावीद के बारे में अलर्ट जारी किया। मई 2015 में यूपी के शामली वो गया और बाद में वो गायब हो गया। अर्धकुंभ के मद्देनजर पूरे राज्य में संदिग्ध आतंकी संबंधित अलर्ट। गढ़वाल रेंज के आईजी संजय गुंजियाल की पूरी कार्रवाई पर नजर है। तो उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली पुलिस के साथ ये साझा ऑपरेशन चलाया। इस ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद इन चार आतंकियों को पकड़ा गया। अर्धकुंभ मेला चल रहा है इस वक्त, बेहद सेंसिटिव है पूरा इलाका, और उसके बाद इस तरह की घटना अगर हो जाए तो फिर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं।
आईबी की सूचना पर दिल्ली और उत्तराखंड पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़ में आए हैं चार संदिग्ध आतंकी, जिनका जिक्र हम लगातार समाचार पत्र में कर रहे हैं। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे ये। बताया ये जाता है कि इनके निशाने पर हरिद्वार अर्धकुंभ था। अखलाक जो गिरफ्तार हुआ है इनकी गैंग का सरगना है, इन चारों का सरगना है। बताया जा रहा है कि चारों आतंकियों को गंग नहर थाने ले जाया गया है। पूछताछ में सामने यह आया है कि ये सभी आपस में कांटेक्ट में थे, लगातार संपर्क में थे। इतना ही नहीं, ये दूसरे देशों में भी किसी के संपर्क में बताए जाते हैं। इन्हें वहां से पैसा भी मिल रहा था। आपको बता दें कि आतंकी अखलाक भगवानपुर हरिद्वार का रहने वाला है। दूसरे आतंकियों का संबंध भी उत्तराखंड से ही अलग अलग गांव से है। वहीं इसके बाद एडीजी कानून व्यवस्था और आईजी संजय गुंज्याल ने पूरे मामले का ब्यौरा दिया है। अपने बैकग्राउंड देखा ना पहले, नेशनल एक्टिविटीज में जो व्यक्ति पाए गए थे उनको दाखिल किया गया, जिसमें कुछ इनपुट्स हमारे पास थे इंटेलिजेंस के और अन्य हमारे सहयोगी एजेंसीज के। चार व्यक्ति उसमें गिरफ्तार किए गए। अभी वर्तमान में ज्वाइंट ऑपरेशंस, जिसमें उत्तराखंड पुलिस, दिल्ली पुलिस संयुक्त रूप से अन्य हमारी अभिसूचनाएं एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। दिल्ली पुलिस और उत्तराखंड पुलिस के द्वारा आपस में समन्वय के साथ इन सारे एरियाज में हम गतिविधियों में नजर रखे हुए थे। उसी के आधार पर जब कुछ ऐसे इनपुट भी मिले जिसमें कि ये बहुत जल्दी कोई घटना कर सकते थे, जिसमें कि हमारे वहां जो मेला है उसमें और ट्रेन में और बाकी जगह पे कुछ वारदात करने की दृष्टि से ये बहुत जरूरी हो गया था कि टाइमली इनकी अरेस्टिंग हो। हरिद्वार से हुई संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अब अगला पुलिस के सामने बड़ा सवाल ये है कि चार युवाओं की गिरफ्तारी के बाद अब आखिर इनके पीछे कौन से ऐसे लोग हैं जो अभी भी क्षेत्र में सक्रिय हैं। और दूसरा सवाल ये कि आखिर कुंभ से पहले तमाम सक्रियता की बात करने वाली पुलिस दिल्ली पुलिस और आईबी के इनपुट के सामने मजबूती से टिक क्यों नहीं सकी। ऑपरेशन में नाम तो ले लिया गया, क्या वास्तव में उत्तराखंड पुलिस ने परफॉर्म किया। कैमरामैन इलियास के साथ सुदीप जैन, देहरादून, समाचार प्लस।